नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा कुछ पीएसयू कंपनी के बारे में। मतलब 5 पीएसयू कंपनी के बारे में बात करूंगा। पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो पीएसयू तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, तो इसी के ऊपर बात करूंगा आज। तो क्योंकि इस पांचों कंपनी ने रिसेंट टाइम में कंपनी क्या करने वाला है, डिविडेंड देने वाला है। तो कौन सा कंपनी कौन सा डेट में डिविडेंड देगा और कितने डिविडेंड आपको मिलने वाला है, और आपके पास इस कंपनी के हिस्सेदारी है तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा, सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। शायद वो स्टॉक के बारे में हो, शायद वो आईपीएस के बारे में हो, शायद वो कुछ न्यूज़ के बारे में हो। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आशा भी करूंगा आप आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के पांचों कंपनीज के बारे में जो गवर्नमेंट कंपनी है। तो सबसे पहले मैं एक डिविडेंड के बारे में बात करूँ, तो डिविडेंड होता क्या है आप सभी जानते हैं। मैं आपको ब्लैंक शीट में आप थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। डिविडेंड वो चीज़ होते हैं, मान के चलिए कंपनी ने इस बार मतलब 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस 100 करोड़ प्रॉफिट से कंपनी क्या करने वाले है, कंपनी इस प्रॉफिट से वो दो काम कर सकते हैं। कंपनी का जो कर्जा है, मतलब जो डेप्थ है, जो कंपनी का डेप्थ है वो सबसे पहले मिटाना चाहिए। अगर कंपनी का कोई डेप्थ नहीं है, वो कंपनी क्या करते हैं, वो उस पैसे को फिर से जितने सारे उसका शेयर होल्डर है उसको एक परसेंटेज के हिसाब से, मान के चलिए 100 करोड़ से कंपनी डिसाइड किया कर लो चलो मैं 10 करोड़ का टोटल मैं डिविडेंड बांटूंगा ऑल ओवर जितने शेयर, मतलब शेयर होल्डर है, और जितने जितने शेयर होल्डर नहीं, मतलब जितने शेयर से उसके हिसाब से मैं डिविडेंड बांटूंगा। तो 10 करोड़ का कंपनी ने क्या किया, डिसीजन लिया डिविडेंड बांटेंगे। तो इस डिविडेंड बांटने से शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा फायदा मिला, मगर मेरे हिसाब से आपको उसी कंपनी के ऊपर डिविडेंड पॉजिटिवली लेना चाहिए। देखिए आपको दे रहा है तो आप जरूर लेंगे, मगर उसी कंपनी के ऊपर आपको डिविडेंड सोचना चाहिए जो कंपनी खुद ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का डेप जो है वो एकदम ना के बराबर है, मतलब डेप फ्री आप बोल सकते हैं। उसी कंपनी का पॉजिटिवली आप डिविडेंड को मतलब मान सकते हैं। क्योंकि पहले बता दूं आपको, अगर आपके आपका भी बिजनेस होता, मान के चलिए आपने इस साल में 1 लाख का प्रॉफिट किया, मैं छोटा अमाउंट आपको बता रहा हूँ, 1 लाख का आपने प्रॉफिट किया, और आपके पास चलो मान के चलता हूँ करीबन करीबन 20 हजार का पर मंथ, आपको 20 हजार का पर सालों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लोन है उसको चुकता करना पड़ेगा। मतलब आपने जो कर्जा लेके रखा है बैंक से, जो लोन लेके रखा है उसको आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आपका 1 लाख रुपया से पहले आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी में, या आप उस कंपनी उस पैसे को आपका जितने सारे शेयर होल्डर है आपका, अपने जिसके साथ पैसा, मतलब आपके दोस्त के पास पैसा लेकर आपने काम किया, क्या उसको प्रॉफिट दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, बोनस दे देंगे, उसको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ दे देंगे, कुछ खरीद लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले इस 1 लाख से 20 हजार का जो मतलब कर्जा है और जो लोन है, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप वहाँ पे मिटा पाएंगे तो कर्जा पहले मिटाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेंगे तो उससे डिसीजन लेना कंपनी के ऊपर कितना निवेश करना है, कितना लोगों को बांटना है। तो मेरे हिसाब से उसी कंपनी के ऊपर आपको बोनस के हिसाब से सोचना चाहिए जो कंपनी आपको फ्यूचर में मतलब फायदा दे सकते हैं, सॉरी बोनस नहीं, डिविडेंड और बोनस जो भी देते हैं। तो वो कंपनी क्यों देते हैं और गवर्नमेंट कंपनी बोनस क्यों देते हैं, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट का प्राइस आपको एकदम लो लेवल में देखने को मिलेगा, बहुत सारे कंपनीज है जिसका प्राइस 100 से भी नीचे है। तो वो कंपनी क्या कर रहे हैं, हर साल में 4 बार जो क्वार्टर रहते हैं, इस 4 बार में ही वो 4 बार ही डिविडेंड देते हैं। लोगों के मन में यही थॉट प्रोसेस आ जाता है कि कंपनी चार चार बार मुझे डिविडेंड तो दे रहा है, रिटर्न शायद वो नेगेटिव में दे, फिर भी डिविडेंड तो मुझे पॉजिटिव में मिल रहा है, इसलिए वो कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। क्योंकि डिविडेंड का खेल कुछ अलग है, आप इसका एक रिपोर्ट देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूलाज है आप देखेंगे तो एनुअली डिविडेंड पर शेयर, मतलब पर शेयर में डिविडेंड कंपनी एनुअली कितना दे रहा है, डिवाइड बाई प्राइस पर शेयर, मतलब अभी पर शेयर में प्राइस कितना चल रहा है, मतलब एक शेयर का कीमत क्या चल रहा है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, मतलब कितने परसेंटेज आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आपके सामने कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो अभी पांच कंपनी कौन सा है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो पांच कंपनी ऐसे है, चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला
पहले जो नंबर वन कंपनी में, नंबर वन नहीं कहूंगा, मतलब नंबर वन कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मतलब HPCL। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और ये एक पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी कंपनी है। तो इसके बारे में पहले भी मैं आपको वीडियो बना के दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे जो टोटल डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, तो 14 रुपीज़, मतलब 14 रुपीज़ का कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। अच्छी बात है। और कंपनी के डिविडेंड का जो एक्सटेड रहेगा 22/8, मतलब 22/8 में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले है, मतलब 22 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा अगस्त माह में। तो आपको उस मतलब दिन से पहले, एक दिन पहले आपको खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी आप देखेंगे तो सेकंड कंपनी की इसके बारे में बात करूंगा, वो है IRCTC। तो IRCTC ने एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और बहुत छोटा सा डिविडेंड है, बहुत छोटा सा। इसका प्राइस रेंज के हिसाब से कंपनी जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया वो बहुत कम है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट डिविडेंड इसीलिए देता रहता है लोगों के मन में फोकस रहे, इन्वेस्टर के मन में फोकस रहे, रिटेल निवेशक के मन में फोकस रहे कि मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है। अगर वो निवेश नहीं करेंगे तो उसको मतलब कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी नहीं बना रहेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी बने रहना बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। अगर मान के चलिए कोई भी बाजार में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो वहाँ पे बायर नहीं जाएंगे तो सेलर जाके क्या करेंगे, जो माल बेच रहा है वो जाके क्या करेंगे अगर बायर ही नहीं है। तो सेम टू सेम इसको लिक्विडिटी कहा जाता है, मतलब बायर सेलर हमेशा होना चाहिए। तो इसीलिए लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए लोगों के मन में डिविडेंड भरा जाता है। तो कंपनी देखिए 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाले है, बहुत कम है, छोटा है, तो फिर भी कंपनी 18 तारीख, मतलब 18 तारीख को कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो आपको बना के दिया था, तो आज लास्ट डेट था कंपनी के ऊपर जितने सारे लोगों ने निवेश करके रखे, तो आपको 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। उसके बाद थर्ड जो कंपनी है वो है ऑयल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, मतलब ONGC। तो ONGC के ऊपर भी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, इसका भी लास्ट डेट मतलब आज के दिन की था, क्योंकि कल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। करीबन 3.25 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे देने वाला है। और उसके बाद जो कंपनी आया है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, ये भी डिविडेंड देने वाला है, और फर्स्ट टाइम डिविडेंड दे रहा है कंपनी। 25 अगस्त कंपनी आपको डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी डिविडेंड दे रहा है 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी आपको पर शेयर में दे रहा है। तो अच्छी बात है, जितने सारे PSE कंपनी डिविडेंड दे रहा है, जितने सारे लोगों के डिविडेंड मतलब आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको पर शेयर में डिविडेंड मिल जाएगा। आपके पास कितना शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके डीमैट अकाउंट में वो डिविडेंड ट्रांसफर हो जाएगा टैक्सेस कट करके। तो इसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी के जो 5 नंबर, जो लास्ट नंबर यहाँ पे कंपनी है वो है पावर फाइनेंस, मतलब पावर फाइनेंस कंपनी। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी जो मैं पिछले दिनों में इसका डिटेल्स वीडियो बना के दिया था, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और यहाँ पे जो डिविडेंड कंपनी देने वाला है वो टोटली 2.25 रुपीज़ का, और वो भी कब मिलेगा, 1 सितंबर। तो 1 सितंबर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है, तो इस डेट को याद रखना, और कंपनी 2.25 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। और इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, PFC सर्च करेंगे तो आप आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले से अपलोड करके रखा हूँ। तो ये था कुछ 5 कंपनीज जहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको कौन सा कंपनी के पास, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कौन सा कंपनी के ऊपर है मुझे जरूर कमेंट करना, और कौन सा कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको किसी मतलब किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, तो आप मुझे आपका पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और आपका पोर्टफोलियो का डिटेल्स आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको जरूर रिव्यू करके दूंगा। और साथ ही साथ कोई भी स्टॉक के ऊपर कुछ जानकारी चाहना है तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो डिविडेंड के बारे में इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। लेकिन नेक्स्ट स्टॉक लेके तब तक ले अच्छे से अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।